अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हमारा जो मौजू चल रहा है वो SEO है कि SEO कैसे वर्क करती है और इसमें किस तरह से उसकी जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैं इसी तरह आपके साथ शेयर करता रहा। आज मेरा जो मौजू है वो है अपनी साइट को मरने से बचाएं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अपनी साइट को डेड होने से बचाएं। उसकी सूरत ये होती है कि इंसान, इसका मिसाल मैं इस तरह से दे रहा हूँ, अगर किसी इंसान को 10 फीट के कमरे में बंद कर दिया जाए या कैद कर दिया जाए और उस तक ताज़ा हवा, ताज़ा खाना और पानी सुबह शाम न पहुंचाया जाए तो उस शख्स का क्या हाल होगा। यकीनन वो कुछ ही अर्सा जिंदा रह सकेगा और वो मौत के आगोश में चला जाएगा। इसी तरह का मामला कुछ वेबसाइटों के साथ भी होता है कि अगर इसके उगाए बुगाए अगर ताज़ा खुराक फराम ना की जाए, यानी कि मकसद है कि नया कंटेंट, नई टिप्स या नया कोई आइडिया ना दिया जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो दम तोड़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि साइट को गाए बगाए खुराक फराम की जाती रहे। साइट की खुराक में फ्रेश कंटेंट यानी नया मवाद, सारफ के सवाल का फौरी जवाब और बैक लिंक्स वगैरह शामिल हैं। यानी अगर आप इस साइट को अच्छी सेहत और ट्रैफिक के साथ देखना चाहते हैं तो हर हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ जरूर नया शामिल करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो महीने में 2 बार अपडेट करना करने की ज़रूर कोशिश किया करें। दूसरी बात यह है कि सारफ के सवाल का जवाब फौरी तौर पर दें, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि साइट के पीछे काम करने वाले मौजूद हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि भाई कोई रिपोर्ट या कोई मकसद है कि बना के इसको बस भूल ही गया, इस तरह का मामला ना हो। और ये साइट अपडेट भी की जाती हो रहे ताकि जो आने वाला है, जो ट्रैफिक जिसके थ्रू आ रही है, जो विजिटर है, उसको जो है वो पता चले कि काम हो रहा है। और इसी तरह तीसरी और आखिरी बात बैक लिंक की, यानी दूसरी वेबसाइट में आपके लिंक की का मौजूद होना और हर माह कई मजीद वेबसाइट्स में शामिल होते रहना, ये खुराक साइट को देते रहें और अपने साइट को मुर्दा होने से बचाएं। यानी कि बैक लिंक से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी बंदा अगर उस वेबसाइट जो दूसरी वेबसाइट है उस पर विजिट करेगा तो आपके लिंक मौजूद होंगे, तो उससे क्या होगा कि आप आसानी के आपकी वेबसाइट पे वो बंदा आ सकता है। इसी तरह जो है वो अपनी वेबसाइट को ग्रो करने में मदद करें, अपनी मदद आपके तहत इस तरह से काम शुरू करें। इंशाल्लाह इससे आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी, जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात, मेरा आइडिया मेरी टिप पसंद आती होगी। दोस्तों, अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें और जो है एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई टिप, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।